पर दो सेट ए और बी दे रखे हैं, जहाँ पर ए की कार्डिनालिटी 3 और बी की कार्डिनालिटी 5 है। हमें पता करना है कि ए से बी तक कितने फंक्शन एग्जिस्ट करेंगे, यानी कि फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। और हमें ये भी पता करना है कि ए से बी तक कितने वन वन फंक्शन हैं। तो दो तरह के प्रॉब्लम को हमें चेक करना है इस गिवन प्रॉब्लम के लिए। ए से बी तक कितने फंक्शन होंगे वो पता करने के लिए, अगर मान लीजिए सेट ए डोमेन की कार्डिनालिटी, यहाँ पर मैं डोमेन लिख लेता हूँ, कार्डिनालिटी ऑफ डोमेन मान लेते हैं एम है, और कार्डिनालिटी ऑफ कोडोमेन आपकी अगर एन है, तो नंबर ऑफ फंक्शन जो होंगे आपके पास एम रेस टू द पावर, सॉरी एन रेस टू द पावर एम ये होगा। और वन वन फंक्शन अगर आपका एन ग्रेटर देन एम है, तो वन वन फंक्शन होंगे एन पी एम। गिवन प्रॉब्लम के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एम का वैल्यू यहाँ पर 3 और एन का वैल्यू 5 है, तो टोटल फंक्शन यहाँ पर जो हमें मिलेंगे, टोटल फंक्शन वो हो जाएगा 5³, यानी कि 125। द टोटल फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी इज 125, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और वन वन फंक्शन कितने होंगे, 5p³, इसका वैल्यू अगर हम निकालेंगे फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 - 3, और ये इक्विवेलेंट होगा 60 के, यानी कि ऑप्शन सी और ट्रू होगा। इस गिवन प्रॉब्लम के लिए जो की है वो ए और सी है।